हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। आज से कई साल पहले बड़े सगीर पाको हिंद में मुगलिया सल्तनत के बुनियादें कमजोर पड़ जाती है और कंपनी सरकार इक्तदार के एवालों पर अंग्रेज साम्राज्य का झंडा लहरा देती है। तब से लेकर 23 मार्च 1940 तक जुल्म और सितम के इस दौर में बहुत सी क़यामतें टूटती हैं। कभी मुसलमानों का कत्ले-आम किया जाता है तो कभी आज़ादी का नाम लेने वालों को पाबंदे सलासल रखा जाता है। 1918 में एक वबाई मर्ज हजारों लोगों की जानें ले लेता है। सदैव इस दौर में जुल्म की इंतहा देखिए कि हर तरफ नफरत की फिजा होती है, हर तरफ मुसलमानों का कत्ले-आम किया जाता है और हालात बद से बदतरीन होते हैं। एक तरफ गुलामी की जंजीरों का शोर, दूसरी तरफ हमारे असलाफ की दलेरी मुलायदा हो कि मौत की काली कोठरियों जख्दानों दश्त और बेअबानों से सदा आती है। उठ कि अब बज़्मे जहां का कुछ और ही नहीं अंदाज है, मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। 23 मार्च 1940 लाहौर के मिंटू पार्क में एक अहद किया जाता है। वो अहद मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाना है। इस अहद के साथ वफा करने के लिए हमारे अकाबरीन सरबकफ खड़े हो जाते हैं और करोड़ों मुसीबतें झील कर पाकिस्तान बनता है। इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुस्वा सरे बाजार। सदर अली बकाए, आज ये अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलमाए तैयबा की जाकिर, ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान माओं की दुआओं की तासीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की तकदीर। मेरे शहीदों के लहू से ये मिट्टी ज़रख़ेज़ हुई, मेरे शहीदों के लहू से ये मिट्टी ज़रख़ेज़ हुई, मेरे गाजियों ने इस गुलशन की आबियारी की। आज इस गुलशन में बहार है, आज दुनिया पर साबित है कि पाकिस्तानी कौम हर दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। मैं, आप और हर सुनने वाला ये अहद करता है। खून दिल देखे निखारेगी रुखे बरगे गुलाब, खून दिल देखे निखारेगी रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। शुक्रिया।